So for example, in initial video, what we have done, just a reminder that we have four vesicles. The sinus venous is actually also known as the venous and what it's going to do, it have three parts. The first part is your body. The other two parts are right horn and left horn. Right horn and left horn, both of the horns receive three sets of veins from each side. Now what happens to three sets of veins? We have to just discuss this part. We all already discussed it. Jo left side ke hamare paas portions hote hain, the proximal parts of all the veins, left common cardinal vein, left Whitland vein, left umbilical vein, they all actually regress. This left horn regress and result into the formation of coronary sinus. Part done. Now what happens to right horn? Right horn have three sets of veins again, common cardinal vein remains. What it's going to result in the formation of your future superior vena cava banayegi, common cardinal vein. Then we have our Whitland vein, right wali, which is going to form the cranial part of inferior vena cava. You just have to remember these parts. And then hamare paas hamari third vein hoti hai, right umbilical vein, which is going to disappear. Already discussed. What happens to body of venous sinuses? Now we're going to understand that with the primitive atrium ke saath kya hota hai. अब बॉडी, मैंने कहा था राइट एट्रियम जो है ना हमारे पास, वो राइट एट्रियम राइट हॉर्न में हमारे पास बचा क्या? हमारे पास कॉमन कार्डिनल वेन बची और हमारे पास क्या बची थी? राइट साइड पे विटलन वेन बची थी जो सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा में कन्वर्ट हो गई थी. ये दोनों जाके कन्वर्ट हो गई और ये दोनों जाके हमारे पास रीअब्सॉर्ब और एब्जॉर्ब हो गई साइनस वेनोसस में. थोड़ा इसे हम रिलेट करें नॉर्मल एनाटॉमी पे, तो राइट एट्रियम इज अ पार्ट जिसके पोस्टीरियर, राइट एट्रियम के देखो दो पार्ट्स होते हैं. ये होता है हमारे पास राइट एट्रियम का एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट. पोस्टीरियर पार्ट पे हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा आ रही होती है और नीचे से इन्फीरियर वेना कैवा आ रही होती है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट पे आ रही होती है. दोनों राइट एट्रियम पे आ रहे होते हैं. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ वी आर गोना डिस्कस व्हाट हैपेंस टू प्रिमिटिव एट्रियम. प्रिमिटिव एट्रियम के साथ क्या होगा? ऑल डन अबाउट साइनस वेनोसिस. प्रिमिटिव एट्रियम के साथ क्या होगा? इट इज नाउ गोना बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. प्रिमिटिव एट्रियम में हमारे पास होंगे द वन पार्ट इज नोन एज द राइट एट्रियम एंड द अदर पार्ट इज एक्चुअली नोन एज लेफ्ट एट्रियम. यू हैव टू रिमेंबर टू पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रिमिटिव एट्रियम. पहला पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जब हम एट्रियम की बात करते हैं ना कॉन्सेप्चुअल, तो एट्रियम में दो सर्फेसिस की बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली, एंड एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट. सपोज दिस इज एट्रियम, सो आई एम गोना टॉक अबाउट द एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट. नीचे हमारे पास जो है वेंट्रिकल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट की बात करेंगे और जब वेंट्रिकल्स पे बात करेंगे तो वेंट्रिकल्स में वी टॉक अबाउट आउट फ्लो इन फंडिब्यूलम इन इनफ्लो पार्ट. डोंट वरी, आई एम गोना एक्सप्लेन दैट. एट्रियम में जो एंटीरियर पार्ट होता है, एक बात याद रखनी है आपने, एंटीरियर पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ह्यूमन का एंटीरियर पार्ट इमेजिन करूँ अपना, आप अपने एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी पे हाथ फेरेंगे तो आपको क्या नोज, चीक्स, लिप्स, टीथ, देन नेक मिलेगी, एक इरेगुलरिटी मिलेगी. तो एंटीरियर पार्ट इज अ रफ पार्ट. लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट होता है अगर आप बॉडी पे देखो तो एक बैक एक स्मूथ सर्फेस है. ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट इज एक्चुअली द स्मूथ पार्ट. ये पॉइंट नंबर वन हो गया एट्रियम्स के बारे में. पॉइंट नंबर टू वी नीड टू डिस्कस इज दैट, एक बात बताओ, वेन एवर समबडी इज हेल्पिंग यू इन लाइफ, ठीक है, आपके पास दो टास्क हैं, मुश्किल वाला ईजी वाला. आप हमेशा सामने वाले को ईजी वाला पार्ट दोगे कि ये वाला यू कैन हेल्प मी आउट एंड मुश्किल वाला मैं अपना खुद कर लूँगा. सेम हैपन्स हियर. राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में भी ये होता है, उनका जो बैक इनका जो फ्रंट सर्फेस होता है द रफ सर्फेस, वो कहाँ से आता है? वो प्रिमिटिव एट्रियम इटसेल्फ. ये जो हमारे पास प्रिमिटिव एट्रियम है ना, ये इटसेल्फ हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का रफ एंटीरियर पार्ट बनाते हैं दोनों. ठीक है, तो अगर और जो हमारे पास इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो कौन बनाते हैं? तो अगर मैं पोस्टीरियर पार्ट बोलूँ तो राइट एट्रियम का नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट राइट एट्रियम हियर, नॉट लेफ्ट एट्रियम. राइट एट्रियम का पोस्टीरियर पार्ट इज अ स्मूथ पार्ट दैट इज फॉर्म बाय द साइनस वेनोसिस की बॉडी. ठीक है, अब रिलेट करो, मैंने कहा था साइनस वेनोसिस. नाउ यू हैव टू राइट दिस थिंग्स डाउन प्लीज, दैट बेसिकली ओरिजिन ऑफ राइट एट्रियम कैसे होगा, टेल मी. द एंटीरियर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय, द एंटीरियर पार्ट इज अ स्मूथ पार्ट एंड द स्मूथ पार्ट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, व्हाट डू यू सजेस्ट? इट्स एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द स्मूथ पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द, सॉरी इट्स रफ पार्ट, माई मिस्टेक. रफ पार्ट इज फॉर्म बाय द प्रिमिटिव एट्रियम. ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस बन गया. द पोस्टीरियर पार्ट इज द स्मूथ पार्ट. द स्मूथ पार्ट का टास्क इज एक्चुअली द बॉडी ऑफ साइनस वेनोसिस. ये सिर्फ मैं राइट एट्रियम का बता रही हूँ.
लेफ्ट एट्रियम के साथ क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम का एंटीरियर पार्ट विच इज़ माई रफ पार्ट इज एक्चुअली फॉर्म बाय प्रिमिटिव एट्रियम इटसेल्फ। ये पता था मुझे, लेकिन उसका पोस्टीरियर पार्ट दैट इज़ द स्मूथ पार्ट अकॉर्डिंग टू एफ ए इट इज़ फॉर्म बाय प्रिमिटिव पल्मोनरी ट्रंक। इसको अभी थोड़ा रट्टा मार लो, उसकी फॉर्मेशन में थोड़ी बात बताऊँगी, यू विल गेट इट एट द एंड सम डे, ठीक है? इसका राइट एट्रियम का याद रखो। डन, पॉइंट नंबर वन, रफ कौन सा सरफेस होता है, स्मूथ कौन सा होता है। रफ किसने बनाया? हमेशा अपना काम खुद रफ वाला करते हैं, तो हमने खुद बनाया प्रिमिटिव एट्रियम ने। पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट होता है तो वो बॉडी ऑफ साइनस विनोसस ने बना दिया। अब नाउ देयर इज अ पॉइंट जो मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में, मैंने कहा था राइट हॉर्न इज गेटिंग एब्जॉर्ब इन टू माई साइनस वीनस, यही कहा था मैंने, इस पॉइंट को याद करने के लिए बोला था। क्यों? राइट हॉर्न ने क्या बनाया? राइट हॉर्न में तीन सेट्स ऑफ वेसल्स आई, एक हाइप हो गई, दो बची, इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा बची, दैट गेट्स एब्जॉर्ब इन टू साइनस विनोसस, मतलब दे गेट अटैच टू इट। साइनस विनोसिस ने क्या बनाया? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बनाया राइट एट्रियम, उससे अटैच्ड क्या है? सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो आई एम ऑलरेडी करेक्ट कि एनाटॉमिकली भी यही हुआ कि राइट एट्रियम में स्मूथ पार्ट पे, पोस्टीरियर वाले पार्ट पे सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा दोनों आ रही हैं, क्योंकि वो राइट हॉर्न में आ रही थी। ठीक है, नाउ वी आर डन, अब वी आर डन विद दिस वेसिकल, गुड, वी आर डन विद दिस वेसिकल, गुड। नाउ वी आर गोना डिस्कस दिस वेसिकल, द प्रिमिटिव वेंट्रिकल।